दोस्तों आज के इस वीडियो में इंटरन बागटाउन थ्योरी गेम का मल्टी ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब कि गेम का दो ट्रेन एक साथ कैसे चलाते हैं। एंड इसके अलावा इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंटरन बागटाउन थ्योरी गेम का अभी के टाइम कितनी पुलिस कार का चिट कोड नंबर मिलता है और गेम के अंदर टोटल कितनी पुलिस कार मिल जाती है अभी के टाइम में। तो चलो आप लोगों को बताता हूँ कि गेम के अभी के टाइम कितनी पुलिस कार मिल जाती है एंड गेम के अंदर मल्टी ट्रेन ड्राइविंग कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने इस वीडियो क्लास नहीं जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और जैसे कि बागटाउन थ्योरी गेम बहुत ही तगड़ा गेम और इस गेम का नया अपडेट जब भी आता है बहुत ही तगड़ा वाला अपडेट आता है। और जैसे कि बागटाउन थ्योरी गेम का नया अपडेट फिर से आने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था एंड आप लोगों को ये भी बताया था कि बागटाउन थ्योरी गेम के साथ जो नया अपडेट आ रहा है उस अपडेट में गेम के अंदर घोड़ा आ रहा है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गेम के अंदर घोड़े के ऊपर अभी काम चल रहा है, तो जैसे ही गेम के अंदर घोड़ा ऐड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि गेम के अंदर घोड़ा कैसा दिख रहा है। और चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बागटाउन थ्योरी गेम का अभी के टाइम कितनी पुलिस कार का चीट कोड नंबर मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गेम के सेल फोन में 100 डाल करोगे तो गेम नई वाली पुलिस कार आ जाएगी। और इसके अलावा गेम के सेलफोन में 101 डायल करोगे तो गेम का नई वाली पुलिस कार आ जाएगी। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बागटाउन थ्योरी गेम का अभी के टाइम में दोनों पुलिस कार मिलती है बस। और इस गेम का अभी के टाइम में दो पुलिस कार का चीट कोड नंबर मिलता है एंड इसके अलावा गेम का अंदर पुलिस भी आती है जो की ऑटोमेटिक है, मतलब की नौ प्लेयर कैरेक्टर को ठोकते हो तो गेम का पुलिस आ जाती है ऑटोमेटिक। और इस गेम का पुलिस कार का चिट कोड नंबर मिलता है एंड पुलिस ऑटोमेटिक आती है। और बात करें बागटाउन थ्योरी गेम का अंदर मल्टी ट्रेन ड्राइविंग कैसे करते हैं, तो जैसे की आप लोगों को पता है की बागटाउन थ्योरी गेम का ट्रेन ड्राइविंग करने के लिए रेलवे स्टेशन आना पड़ता है और गेम के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रहती है जिसको आप बहुत ही आसानी चला सकते हैं एंड इस गेम के अंदर ट्रेन का कोई चिट कोड नंबर नहीं मिलता है। और जैसे कि गेम के अंदर केवल ये वाली ट्रेन एक मिलती है और गेम के अंदर इसके अलावा गेम के अंदर कोई भी और ट्रेन नहीं मिलती है, तो गेम के अंदर कैसे मल्टी ट्रेन ड्राइविंग कर सकते हैं एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गेम के अंदर दो ट्रेन एक साथ नहीं चला सकते अभी के टाइम में। और आज के इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करना तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपका कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।